Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we are starting with your science textbook, class 1, chapter number 6. The name of the chapter is Our Needs. Needs का मतलब हमारी ज़रूरतें क्या क्या होती हैं, उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डील करेंगे. नंबर फर्स्ट नीड होती है फूड की. We need food. Look at the picture. Arun is very hungry. अब पिक्चर में एक लड़का दिखा रखा है, एक बॉय है जिसका नाम है अरुण, और ये बहुत ज़्यादा हंग्री है. हंग्री का मतलब ये बहुत ज़्यादा भूखा है. What does he need? Tell your partner. अब कोई इंसान भूखा है तो उस टाइम पर उसको क्या चाहिए रहता है? We need food to live. अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. Food helps us to grow. अगर हम बड़े होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उस केस में भी फूड ही हमारी हेल्प करता है. Food gives us energy to play and work. अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी से हम काम कर सकते हैं और खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं. Food makes us strong and healthy. अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और हेल्दी बनना है तो भी फूड ही इस केस में हमारी हेल्प करते हैं. Where does our food come from? अब ये जो फूड की हम बात कर रहे हैं, ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? Our food comes mainly from plants and animals. जितना भी आप फूड कंज्यूम करते हो वो दो जगहों से मिलता है, या तो आपको प्लांट से मिलेगा या फिर आपको एनिमल से मिलेगा. फूड फ्रॉम प्लांट्स. अब हम बात करेंगे उन सारे फूड आइटम्स की जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं. We get fruits from plants. बहुत से fruits हैं जैसे कि cherries, orange, banana, pineapple, apple, mango. ये सभी के सभी हमें किस से मिलते हैं? Plant से. Then comes vegetables. We get vegetables from plants. Carrot, onion, cabbage, potato, peas, brinjal, cauliflower. ये सारे वो vegetables हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी वेजिटेबल्स, या फिर मैं यूँ बोलूँ सारी ही वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलते हैं. वी ईट द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी सीड्स हम कंज्यूम करते हैं. द सीड्स ऑफ राइस, व्हीट एंड कॉर्न आर कॉल्ड सीरियल्स. राइस, व्हीट और कॉर्न के जो सीड्स हैं, इन्हीं सीड्स को हम क्या बोलते हैं? सीरियल्स. The seeds of peas, rajma, gram and dals are called pulses. Rajma, gram और जितनी भी दाल हैं, इन सभी के जो seeds होते हैं, इन seeds को क्या बोलते हैं हम? Pulses. We get oil from the seeds of some plants. कुछ plants की जो seeds होती हैं उनसे हम oil भी ले लेते हैं, जैसे sunflower से sunflower oil, mustard plant से mustard oil, कोकोनट से कोकोनट ऑयल हमको मिल जाता है. फिर बात करते हैं मसालों की. प्लांट्स गिव अस स्पाइसेस. मसाले भी देते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम. ये वो सारे मसाले और ऐसे कई मसाले हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं. वी ऑल्सो गेट टी, कॉफ़ी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स. जो टी हम लोग पीते हैं, जो कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, या फिर जो शुगर हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब भी हमें प्लांट से ही डिराइव होती हैं. नेक्स्ट, अभी हमने बात करी है वो सारी चीज़ों की जो कि हमें प्लांट से मिलती है. अब वो फूड आइटम्स आते हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं. वी गेट मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी फ्रॉम प्लांट्स. मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती है, सॉरी एनिमल से ही मिलती है. We should drink milk every day. हमें डेली दूध पीना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए. It is good for our bones. मिल्क हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. Butter, पनीर, घी, कर्ड, आइसक्रीम एंड चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क. बटर, कर्ड, आइसक्रीम, चीज़, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि किससे बनती हैं? मिल्क से बनती हैं. We need clothes. अब फूड के बाद हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट आई है क्लोथ्स की. हमें कपड़े चाहिए होते हैं. वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए हमें क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ कपड़े ही पहनने चाहिए। इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, गर्मियों का अगर टाइम रहता है तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? दे कीप अस कूल, वो हमें ठंडा रखते हैं। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स, सर्दियों में हम कपड़े पहनते हैं वुलन क्लोथ्स। दे कीप अस वार्म, वो हमें गर्म रखते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, वूल कहाँ से मिलती है? शीप से, शीप एक एनिमल है। नेक्स्ट थिंग इज वी नीड अ हाउस, वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें रहने के लिए एक घर भी चाहिए होता है। आवर हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स, हमारा घर ही होता है जो हमें सेफ रखता है। किससे सेफ रखता है? हीट यानी कि गर्मी से, कोल्ड यानी कि ठंड से, रेन यानी कि बारिश से, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों से। वी कीप आवर थिंग्स इन आवर हाउस, जितने भी हमारे सामान होते हैं वो सभी हम अपने हाउस में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। वी हैव कबर्ड्स एंड शेल्व्स टू कीप आवर थिंग्स, घर के अंदर कबर्ड्स होती हैं, अलमारियाँ होती हैं या फिर शेल्फ होती हैं, ऐसे खुली हुई होती हैं जिसमें हम सामानों को रख सकते हैं। आवर हाउस हैज़ डोर्स एंड विंडोज़, हमारा जो घर होता है उसमें डोर्स भी होते हैं और विंडोज़ भी होती हैं, खिड़कियाँ भी होती हैं। डोर्स यानी कि दरवाजे, विंडोज़ यानी कि खिड़कियाँ। फ्रेश एयर एंड सनलाइट कम इन थ्रू द डोर्स एंड विंडोज़, जो ताज़ी हवा होती है या फिर जो सूरज की किरणें होती हैं, सनशाइन होती है, वो सारी इन्हीं डोर्स और विंडोज़ की वजह से घर के अंदर आ सकती हैं। वी रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम, हमको अगर रेस्ट करना होता है या फिर सोना होता है तो हम बेडरूम का यूज़ करते हैं। वी कुक फूड इन द किचन, हम लोग खाना किचन में बनाते हैं। सोने के लिए गए हम लोग बेडरूम में, खाना बनाने के लिए हम जाते हैं किचन में। वी यूज़ आवर बाथरूम फॉर वॉशिंग एंड बेदिंग, वॉशिंग मतलब कपड़े धोने के लिए, बेदिंग यानी कि नहाने के लिए। दोनों ही चीज़ें करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? बाथरूम। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, हमें हमारा घर हमेशा साफ रखना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड इट रियली वेल। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, please write me in the comment section below. If you want to contact me, my mail ID is also provided in the description box. The link for the question and answers of this chapter is also given in the description box. Just click on the link and you will get all the answers related to this chapter. Thank you so much.